नमस्कार, किरण्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मखाने और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। इसे बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। बाकी मिठाइयों की तुलना में मखाने के लड्डू में कैलोरी भी बहुत कम होती है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे, उपयोगी लगे, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं इसे बनाना। मखाने के लड्डू बनाने के लिए मैंने 100 ग्राम मखाने लिए हैं, 60 ग्राम गुड़ है, 8-10 बादाम और 8-10 काजू को टुकड़े कट करके रखा हुआ है, 3/4 कप नारियल का बूरा है, ये सूखा नारियल है, उसे मैंने बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट करके रखा हुआ है, 2 टेबल स्पून किशमिश, थोड़ा सा शुद्ध घी और 3 टेबल स्पून खसखस। एक कढ़ाई मैंने गैस पर गर्म होने के लिए रख दी है। इसमें सबसे पहले हम थोड़ा सा 1 चम्मच घी डाल देंगे और इसी में काजू और बादाम जो हमने रखे हैं ये डाल देंगे और लो फ्लेम पर ही हम इसे 1-2 मिनट के लिए, इसका थोड़ा सा कलर चेंज होने के लिए सेकेंगे। दो तीन मिनट हमने बादाम और काजू को सेक लिया है। अब इसी में हम किशमिश डाल देंगे और इसे भी हम लो फ्लेम पर ही 1-2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे ताकि इसकी खुशबू भी अच्छी आएगी और किशमिश अच्छे से फूल भी जाएगी। किशमिश भी अच्छे से फूल गई है, देख सकते हैं आप। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमने काजू किशमिश बादाम निकाल लिए हैं। इसी कढ़ाई में हम 1/2 चम्मच घी फिर से डाल देंगे और इसमें खसखस और कद्दूकस किया हुआ नारियल दोनों डालकर इसे भी अच्छे से भून लेंगे। किसी भी लड्डू में ड्राई फ्रूट्स अगर हम भूनकर डालते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसे भी हम 2-3 मिनट लो फ्लेम पर ही अच्छे से भून लेंगे। फ्रेंड्स, ये मखाने के लड्डू बहुत ज़्यादा टेस्टी तो होते ही हैं, हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। इससे डायबिटीज़ भी कंट्रोल होती है, हमारे जोड़ों के दर्द में भी सहायक होते हैं और इसे हम कभी भी बनाकर खा सकते हैं। व्रत में तो इसे इस्तेमाल कर ही सकते हैं और ठंड के समय भी हम इसमें थोड़े से गोंद और फुला के डाल दें तो ये और भी अच्छे लगते हैं और फायदेमंद भी और ज़्यादा हो जाते हैं। 2-3 मिनट हो गए हैं, नारियल और खसखस भी अच्छे से भुन गया है। मैंने जो नारियल का सूखा वाला गोला आता है उसे कद्दूकस किया है। अगर आपके पास ताज़ा नारियल है आप उसे भी डाल सकते हैं या जो पाउडर आता है डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे। हमने नारियल और खसखस निकाल लिया है। अब उसी कढ़ाई में हम 2 चम्मच घी डाल देंगे और इसमें मखाने डाल देंगे और उसे भी लो फ्लेम पर अच्छे से हिलाते हुए बिल्कुल क्रिस्पी होने तक इसे सेक लेंगे ताकि हाथ से दबाने से पता चल जाएगा कि मखाना अच्छे से क्रिस्प हो गया है। मखाना बहुत अच्छे से भुन गया है, उसका कलर भी चेंज हो गया और आप देख सकते हैं ये हाथ से ही कितना अच्छा पाउडर इसका बन रहा है, मतलब ये बहुत अच्छे क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम इसे एक प्लेट में ठंडा होने के लिए निकाल लेते हैं। अब कढ़ाई में हम 1/2 चम्मच घी डाल देंगे और जो हमने गुड़ लिया है इसे डाल देंगे और 1 चम्मच इसमें पानी डाल देंगे और लो फ्लेम पर ही हम इसको हिलाते हुए इसको पिघलने तक अच्छे से चला लेंगे। और मखाने भी ठंडे हो रहे हैं, उसे मिक्सी के जार में डालकर दर दरा सा हम उसे पीस लेंगे। ज़्यादा बारीक पाउडर भी नहीं करना है और नहीं ज़्यादा बड़े बड़े टुकड़े, बस हमें दर दरा पाउडर उसका बनाना है।
देखिए फ्रेंड्स, गुड़ अच्छे से पिघल गया है और 2-3 मिनट ये अच्छे से उबल ही रहा है। हमने इसको थोड़ा अच्छे से उबाल लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें ये जो मखाने को हमने मिक्सी में दरदरा सा पीस लिया है इसे डाल देंगे, और इसी में सारे ड्राई फ्रूट्स जो हमने तैयार करे हैं तल के उसे भी डाल देंगे, और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसे एक बाउल में निकालकर ठंडा होने देते हैं, फिर इसके लड्डू बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा मिश्रण, लड्डू वाला मिश्रण जो है वो छूने लायक हो गया है, गुनगुना सा है। अब हम इससे लड्डू बना लेंगे। जितने बड़े साइज के हम चाहें उतने बड़े हम बना सकते हैं, बहुत आसानी से बन रहे हैं। और इसमें हमने बिल्कुल दूध भी नहीं डाला है और एक्स्ट्रा घी भी नहीं डाला है, बस भुंड में ही हमने जितना घी डाला था उससे हमारा लड्डू बनकर तैयार है, देख सकते हैं। और हाथ भी देखिएगा, इतना घी है इसमें। और अगर दूध और हमने एक्स्ट्रा उसमें घी नहीं डाला है, लेकिन अगर दूध भी नहीं डाला है तो इसकी शेल्फ लाइफ भी बहुत ज़्यादा हो गई है, हम इसे बहुत लंबे समय तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। देखिए कितना डिलीशियस दिख रहा है ना मखाने का लड्डू। इसी तरह से हम सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे सुपर डिलीशियस मखाने और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनकर तैयार हैं। देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं और कितने बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। इसे हम व्रत में तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, लेकिन व्रत के बगैर भी इसे बनाकर खा सकते हैं। आप भी इन लड्डू को एक बार ज़रूर बनाइए, टेस्ट कीजिए, और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी चैनल किरण्स किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।